ओबीसी महासंघ द्वारा संविधान चौक पर विविध मांगों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े के नेतृत्व में राज्यव्यापी धरने आंदोलन किया गया। साथ ही मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी मार्फत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा, ऐसी जानकारी बबनराव तायवाड़े द्वारा दी गई। इस दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। महाराष्ट्र में 5 जिला परिषदों और पंचायत समिति के उपचुनाव के लिए स्थगित चुनाव कार्यक्रम को पूरा करने के लिए 5 अक्टूबर 2021 को मतदान होगा। इसी दिन 5 जिलों में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव भी होंगे। इन 6 जिला परिषदों और इनके अधीन आने वाली पंचायत समितियों का चुनाव बिना ओबीसी कैडर के होने वाला है। 1994 से ओबीसी कैडर को 27% राजनीतिक आरक्षण उपलब्ध है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2021 को ओबीसी को आरक्षण के लिए 3 टेस्ट देने का निर्देश दिया है। इन 3 शर्तों के तहत एक समर्पित आयोग की स्थापना करें, नागरिकों के पिछले वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति, परिणाम और अनुपात पर समकालीन गहन और अनुभवजन्य डेटा एकत्रित कर सुझाव दिया कि ओबीसी वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन यह सुझाव देते समय एससी एसटी ओबीसी के साथ आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उपरोक्त तीनों मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक समर्पित आयोग की स्थापना की है। कुछ दिनों में अनुभवजन्य जानकारी एकत्रित की जाएगी। जानकारी एकत्रित होने के बाद एक तालिका तैयार की जाएगी, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाए उसकी एक तालिका बनाई जाएगी। आदेश जारी भी हो जाए तो एक बात पक्की है कि ओबीसी कैडर को अब तक जो 27% राजनीतिक आरक्षण मिलता रहा है, वह इस तालिका के तैयार होने पर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आज संविधान चौक पर राज्यव्यापी धरना आंदोलन किया जा रहा है, ऐसी जानकारी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष बबनराव तायवाड़े द्वारा दी गई है। हे बघा, आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की या संपूर्ण देशामध्ये सध्याच्या परिस्थितीमध्ये जो ज्वलंत प्रश्न आहे तो आमच्या ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा। काल परवापर्यंत या संपूर्ण देशामध्ये या ओबीसी संवर्गाला 27% आरक्षण, राजकीय आरक्षण मिळत होतं, परंतु 4 मार्च 2021 रोजी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय देऊन जर ओबीसींना आरक्षण द्यायचं असेल तर त्याच्याकरता त्यांनी 3 अटी सांगितलेल्या आहे। एक, ज्याला आम्ही म्हणतो की डेडिकेटेड कमिशन बसवायचं, इम्पेरिकल डाटा गोळा करायचा, आणि हे सर्व केल्यावरही एकूण आरक्षण म्हणजे एससी एसटी आणि ओबीसी मिळून 50% वर जाता कामा। आणि या सर्व गोष्टीचा जर आम्ही अभ्यास केला, विचार केला, नुकतंच महाराष्ट्र शासनाने परवा एक ऑर्डिनन्ससुद्धा काढलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा असं म्हटलेलं आहे की एकूण आरक्षण हे 50% वर देता येणार नाही। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा आज संविधान चौक पर राज्यव्यापी धरना आंदोलन के साथ विविध मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा की गई मांगे पूरी होती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।